और आई रुख करते हैं उड़ीसा का। कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद हुई हिंसा से न केवल दंगा पीड़ित प्रभावित हुए बल्कि आम आदमी भी हाथ हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से कर्फ्यू के कारण विकास का काम बिल्कुल ठप हो गया है, जिसके चलते गरीब और दिहाड़ी मजदूरों का जीना दूभर हो गया है। ये जुलूस है उन महिलाओं का जो कंधमाल में लगातार जारी हिंसा और कर्फ्यू से परेशान हैं। कंधमाल जिले के उदयगिरी ब्लॉक के करीब 20 गांवों की 7000 से ज्यादा महिलाओं ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई और काम के गुहार लगाते हुए जिले के कलेक्टर और एसपी का घंटों घेराव किया। निर्दोष लोगों को दंगाई कहकर पकड़ लिया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। हम मजदूर लोग हैं, काम धंधा सब ठप है, हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, हमें काम चाहिए। देखिए, इसके चलते काम धंधा तो बंद है ही, बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो गई है। ऐसे में हम बच्चों को संभालेंगे या काम पर जाएंगे? बीते दो हफ्तों में उदयगिरी समेत रायकिया और टीकाबाली की महिलाएं भी इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। टीकाबाली में राहत शिविरों का रुख करती महिलाओं को काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। फिलहाल सरकार का कहना है कि अब कंधमाल के हालात सुधर चुके हैं। 10,000 जीआर कार्ड हमने इशू किए बेरियस एरिया में, इसलिए कि जिससे गरीब आदमी जिसको काम धंधा नहीं है इनको कुछ राशन मिल जाएगा। कल 7 डेज का राशन चावल इशू हुआ है। हिंसा के शिकार 28,000 ईसाई राहत शिविरों में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों की है जिन्हें सब कुछ ठीक होने का सबसे ज्यादा इंतजार है। कंधमाल से सीमांचल पटनायक और भुवनेश्वर से पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर के साथ शिखर द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।